नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही में करंट में भी ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो है अफगानिस्तान क्राइसिस। अफगानिस्तान की जो आज की स्थिति है उससे आप सभी वाकिफ होंगे। जिस तरीके की तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो काफी डिस्टर्बिंग हैं, काफी भयावह हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए आप सभी, ये 15 अगस्त की तस्वीर है जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल जमा लिया था। काबुल जो राजधानी है अफगानिस्तान की, वहां पे ये लोग आ गए थे और अफगानिस्तान के जो चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो देश छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद की जो स्थिति है वो बहुत ही केओटिक है। लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, सड़कों पे जो तालिबानी लड़ाके हैं, जो भी तालिबान के खिलाफ है उसको वो मार रहे हैं ओपनली। वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, वहां पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति है तो लोग डरे हुए हैं, वो देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। इसीलिए आपने जो काबुल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें देखी होंगी, बहुत ही डरावनी तस्वीरें वहां से आ रही हैं और लोग हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं कि क्या करें, कहां जाएं, क्या उनका भविष्य होगा, तालिबान उनके साथ किस तरीके का बिहेव करेगा आगे चल के। तो ये सब स्थिति तो अभी की है, लेकिन इस स्थिति के पीछे का एक लंबा इतिहास है। अफगानिस्तान की जो स्थिति रही है, जो इतिहास रहा है पिछले स्पेशली मैं बात करूं तो 40-42 सालों का, वो बहुत ही केओटिक रहा है। वहां पे लंबे समय से शांति नहीं है, लोगों की स्थिति खराब है, बहुत ही पिछड़ा हुआ देश हो चुका है अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर आप कोई भी इंडेक्स में देखिए अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खराब मिलेगी वहां पे, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए या लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, औरतों की स्थिति देख लीजिए, वहां पे अच्छी नहीं है। क्या है इसका कारण, क्या इतिहास है अफगानिस्तान का, क्या रीजन रहा है कि यहां पे इतने फॉरेन इन्वेजन हुए, जो विदेशी ताकतें हैं वो इसको कंट्रोल करना चाहती हैं, यहां के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, तालिबान क्या चाहता है और तालिबान ने कंट्रोल किस तरीके से कर लिया अफगानिस्तान का, तो ये सब चीजें हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्पेशली तो मैं इस वीडियो में अफगानिस्तान युद्ध जो 79 में एक सोवियत यूनियन ने जो युद्ध किया था, सोवियत ने जब इन्वेजन किया था अफगानिस्तान पे, 79 से 89 तक सोवियत यूनियन रहा था अफगानिस्तान में, फिर 89 से 96 तक वहां पे सिविल वॉर हुआ, फिर 96 से 2001 तक वहां पे तालिबान की सत्ता रही और 2001 से मान के चलिए 2021 तक ही यहां पे यूएसए रहा है। यूएसए ने अभी अपनी आर्मी को यहां से विड्रॉ किया है। तो इस पूरे इतिहास को हम समझेंगे, उसके बाद तालिबान ने किस तरीके से कंट्रोल में ले लिया है अफगानिस्तान को, तो ये सारा का सारा इतिहास हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये जो तस्वीरें हैं इसके पीछे का इतना लंबा जो इतिहास है वो क्या रहा है। तो आज के समय ये स्थिति है कि तालिबान ने सत्ता को फिर से रिकैप्चर कर लिया है, पहले रह चुका है तालिबान सत्ता में, मैंने क्या कहा 96 से 2001 के बीच में, लेकिन ये जो 42 सालों का जो इनस्टेबिलिटी का जो टाइम रहा है अफगानिस्तान में, इसका पीछे के कारण क्या रहे हैं, इतने सारे फॉरेन इन्वेजन, सिविल वॉर, इंसर्जेंसी, ये सब चीजें अफगानिस्तान को सहन करनी पड़ रही है और अभी भी सहन कर ही रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज को सहन कर रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ना है हमें, हमें एक तो पढ़ना है द सोर रिवॉल्यूशन। सोर एक महीना होता है पारसी भाषा में, उस महीने में एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट घटना थी। सोवियत अफगान वॉर हुआ 79 से 89 के बीच में, 89 से 96 के बीच में अफगान सिविल वॉर हुआ, उसके बाद तालिबान का रूल आता है 2001 तक रहता है 1996 से, फिर अफगान यूएस अफगान वॉर जिसको अफगानिस्तान वॉर कहते हैं 2001 से 2014 तक रहा, फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यहां पे रूल करती है जिसको यूएस सपोर्ट करता है बैकग्राउंड में, यूएस की आर्मी यहीं पे रहती है लेकिन अफगानिस्तान की यहां पे सरकार बन जाती है 2014 से 2021 तक, ये सरकार यहां पे रहती है और उसके बाद 2021 में इस सरकार का तख्ता पलट करके तालिबान जो है वो कंट्रोल ले लेता है, काबुल पे कंप्लीटली अपना कंट्रोल कर लेता है 15 अगस्त 2021 को। तो ये घटनाक्रम होता है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है कि क्या कुछ कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हम एक चीज जानना चाहेंगे और वो ये है कि भाई हर कोई देश, चाहे यूएसएसआर रहा हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, नेटो अलाइज हो, या फिर पहले अगर प्री हिस्टोरी जो एंशियंट हिस्ट्री के टाइम की बात करें तो चाहे कोई भी हो, अलेक्जेंडर से लेके यूएसए तक के जो हिस्ट्री रही है, हर कोई अफगानिस्तान पे कंट्रोल क्यों करना चाहता है, अफगानिस्तान बोन ऑफ कंटेंशन क्यों बना हुआ है। तो उसका जो जवाब है वो है इसकी ज्योग्राफी।
इसकी ज्योग्राफी, इसका भूगोल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप कहेंगे ये तो एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके चारों तरफ कोई समुद्र तक नहीं है, कोई ऐसा ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है कि आप इसके साथ व्यापार करें तो बहुत आपको व्यापारिक लोकेशन मिलती है। व्यापारिक लोकेशन की बात नहीं है, बात है इस एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन में अफगानिस्तान पड़ता है जहां पे अगर मैं मैप में दिखाऊं तो यहां पे ट्रेडिशनल जो पावरफुल अंपायर थे उनके बीच का ये क्षेत्र था, हर कोई इसको कंट्रोल करना चाहता था। इधर इंडिया था, इंडिया एंशिएंट इंडिया की बात करें चाहे फिर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की बात करें जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी था, ये सब के सब यहां का यहां पे इंडियन एम्पायर आप मान के चलिए पूरा का पूरा ये था। इधर पूरा का पूरा रशिया था, आज तो ये तजाकिस्तान किर्गिस्तान ये सब हो गए हैं, लेकिन उसके बाद इधर चाइना था, इधर ईरान था यानी पर्शियन एम्पायर था, उसके बीच में अफगानिस्तान बसा हुआ है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहां पे हर कोई कंट्रोल करना चाहता था कि अफगानिस्तान अगर कंट्रोल है तो चारों तरफ की जो राजनीति है वो आपके एक तरीके से उसका सेंटर बन जाएंगे, आप उसका सेंटर हब बन जाएंगे। तो यूरेशिया, इंडिया, मिडल ईस्ट इस सब के बीच में था, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन थी। साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं और वो अभी तक उस तरीके से उनको निकाला नहीं गया है। अगर सब मिनरल्स को अगर सही से निकाला जाए और उनका सही तरीके से यूज किया जाए तो माना जाता है कि अफगानिस्तान एक बहुत ही वेल्दी नेशन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है अभी तक क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यहां पे, काबुल है, कांधार है, ये जो डोरेंड लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब आपको एक बात पता है कि अफगानिस्तान अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो ये जो पीओके है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर इसको लिखते हैं इंटरनेशनली कहीं जगह, लेकिन हम इसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है इसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है, बहुत छोटी सी बाउंड्री लगती है इसके साथ। तो भारत का पड़ोसी देश है और हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं तो ये भारत का पड़ोसी देश है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, यहां इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब अफगानिस्तान को मैंने कहा कि बहुत से देश इन्वेड करना चाहते थे, इसको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन कर पाए क्या? इसका जवाब है नहीं। इसको कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर, अंपायर्स ग्रेवयार्ड्स, ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर यानी बड़े बड़े अंपायर्स के लिए ये ग्रेवयार्ड था, उनकी एक तरीके से क्या बोलते हैं, उन बड़े बड़े अंपायर्स को दफना दिया इसने। कैसे? हर कोई चाहता था अफगानिस्तान को कंट्रोल करना, ये तो हम बात जानते हैं। अफगानिस्तान खुद भी यूनिफाइड नहीं था, यहां पे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे एथनिकल ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अगर मैं बात करूं यहां के ग्रुप्स की तो यहां पे पाश्तून पॉपुलेशन 42% है, सबसे ज्यादा है, फिर ताजिक हैं जो 27% है, हजारा है 9%, उज्बेक हैं, ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनके ट्राइबल लीडर्स हैं जो एक दूसरे से पावर के लिए लड़ते रहते हैं, उनके बीच में पावर स्ट्रगल चलता रहता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, इस्लाम की भी अलग अलग सेक्ट यहां पे फॉलो किए जाते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, कोई हजरा मुस्लिम है, ये सब फॉलो किए जाते हैं। लेकिन ये लोग अलग अलग होने के बावजूद जब भी इन पे कोई फॉरेन इन्वेजन होता है तो बहुत बार तो ये यूनिफाइड हो जाते हैं, कई बार यूनिफाइड नहीं भी होते, लेकिन ये जो फॉरेनर्स इन पे जो इन्वेड करते हैं उनका एक तरह से उनके लिए लॉयल कभी नहीं होते, उनको धोखा दे देते हैं, उनको हरा देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर अटैक किया हो, चाहे यूएसएसआर ने इनके ऊपर अटैक किया हो, चाहे यूएसए ने अटैक किया हो, एंड ऑफ द डे क्या होता है, उन्हीं को मुंह की खानी पड़ती है, जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उन्हीं को मुंह की खानी पड़ती है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया गया, फॉरेन पावर्स ने उनको इन्वेड कर लिया, अफगानिस्तान के शहरी क्षेत्र हैं स्पेशली उनको इन्वेड कर दिया, लेकिन कभी भी इसको पूरी तरीके से कॉन्कर नहीं कर पाए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वहां पे जो इनके मिलिशियाज हैं वो हमेशा एक्टिव रहे और उन्होंने जो फॉरेन आर्मी है उनको हमेशा पीछे धकेला। तो इसका मतलब ये अफगानिस्तान को आप एक बार के लिए इन्वेड कर दोगे उसको पूरी तरीके से कॉन्कर नहीं कर सकते, और उसके ऊपर रूल करना तो आपके लिए इम्पॉसिबल सा टास्क है, उसके ऊपर कभी भी रूल नहीं किया जा सकता। कहा जाता है अनकंट्रोलेबल है अफगानिस्तान, इस तरीके की स्थिति है। तो ये सब चीजें यहां पे चल रही थी। अब बात करते हैं आज का जो अफगानिस्तान है ये हमेशा ऐसा तो नहीं था, इससे पहले की जो स्थिति थी वो उस स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डारियस फैस जो बेबीलोनिया के राजा थे उसने इसको 500 बीसी में इन्वेड किया था एक बार, जो ये लैंड थी जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा है आज के समय ये इस तरीके का नहीं था, पर पहले किया। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मैसिडोनिया के राजा थे 329 बीसी में उसने इसको अटैक किया था, उसने भी इन्वेड किया था, वो भारत तक आया था आपको पता है। उसके बाद मोहम्मद गजनी जो था
उसने भी इसको 11वीं शताब्दी में कॉन्कर किया था, और वो माना जाता है कि अफगानिस्तान को कॉन्कर सही तरीके से करने वाला वही व्यक्ति था जिसको ग्रेटेस्ट अफगानिस्तानी कॉन्करर कहा जाता है, जिसने भारत पे भी अटैक किया, आपको पता है, मोहम्मद गजनी ने, महमूद ऑफ गजनी ने। उसके बाद चंगेज खान का समय आया, चंगेज खान जो मंगोलियन था, उसने 13वीं शताब्दी में अटैक किया और यहाँ पे मंगोल किंगडम जो है, चगेताई किंगडम है, उसको बसाया। 17वीं शताब्दी तक इसी तरीके की स्थिति रही, ये एरिया यूनिफाइड नहीं हो पाया, कंट्रोल में नहीं रह पाया। आज का जो मैप आपको दिखता है अफगानिस्तान का, वो नहीं था और इसको अफगानिस्तान भी नहीं कहा जाता था। इस अफगानिस्तान को, मॉडर्न डे अफगानिस्तान को किसने बसाया, किसने इसको पूरी तरीके से एस्टेब्लिश किया, ये किया डुरानी डायनेस्टी के एक रूलर, जिसने डुरानी डायनेस्टी की शुरुआत भी की थी, वो कौन था, अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली भी इसको कहा जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसने तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा अंपायर को हराया था, ध्यान होगा। ये अफगान नेशन का फाउंडर है, 1760 में इसने इस अंपायर की शुरुआत की थी। इससे पहले ये पर्शिया की जो आर्मी थी उसके अंदर एक मिलिट्री लीडर हुआ करता था। उसके बाद इसने अपने अंपायर को दिल्ली तक, अरबियन सी तक इसने अपने अंपायर को एक्सटेंड किया और अफगानिस्तान की शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर, द ग्रेट गेम या बोलशायर इग्रा, ये क्या है। ग्रेट गेम की बात पहले इस मैप से समझिए। देखिए, जब बात करते हैं आप 18 सेंचुरी की, 19 सेंचुरी की और अर्ली 20 सेंचुरी की, स्थिति कैसी थी, 18 सेंचुरी की बात कर लीजिए, 19 सेंचुरी की बात कर लीजिए, यहां पे क्या था, रशिया था, इंपीरियल रशिया था, जिसके यहां पे आप जानते हैं जो यूएसएसआर था ना, उससे पहले की बात कर रहा हूं। यूएसएसआर तो 1917 की क्रांति के बाद 1922 में बना है, लेकिन पहले इंपीरियल रशिया था, यहां पे जार का ही हुकूमत थी, राजा हुआ करता था, उसको जार बोलते थे। इधर पर्शियन किंगडम था और इधर ब्रिटिश इंडिया था, जिसके ऊपर हुकूमत ब्रिटेन की थी और ब्रिटिश हुकूमत थी। तो यहां पे मैंने वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, अगर आप कुछ लोगों ने अगर हिस्ट्री के वीडियो देखे हो, तो जब टीपू सुल्तान की बात मैं कर रहा था तो एक बात मैंने बताया था कि ब्रिटिश इंडिया, रशिया और इस रशिया के बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रहा था इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। और रशिया की मदद उधर नेपोलियन बोनापार्ट भी करना चाह रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट और रशिया मिलकर ब्रिटिश इंडिया को कॉन्कर करना चाहते थे कि ब्रिटिशर से हम इंडिया को छीन लेंगे, ऐसे उनके सपने थे जो कि कभी पूरे तो नहीं हो पाए, लेकिन ये डर हमेशा था ब्रिटिशर्स को कि इंपीरियल रशिया, ये जो रशिया है, ये हम पे कभी भी अटैक कर सकता है। इसीलिए ये चाहते थे कि अफगानिस्तान पे जिसका कंट्रोल होगा उसको एक स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज के लिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते थे, रशिया भी करना चाहता था, ब्रिटिश भी करना चाहता था, दोनों ही करना चाहते थे। तो बीच में ये बन गया एक तरीके से वो जगह जहां पे दिक्कत होने वाली थी अफगानिस्तानियों को, क्योंकि उनके ऊपर एक तरीके से दबाव था, डिप्लोमेटिक दबाव था कि वो न तो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रख सकते थे, वरना वहां पे रशिया नाराज होता था, रशिया के साथ रिलेशन रखते तो ब्रिटिश नाराज हो जाता। ये एक ऐसी जोन बन गया था कि दोनों ही चाहते थे कि इसको बफर जोन की तरह इस्तेमाल करें। फिर ब्रिटिशर्स की एक बार पॉलिसी यह भी आई कि अफगानिस्तान को हम कंट्रोल ही कर लें। दो एंग्लो अफगान वॉर हुए, एक्चुअल में तीन हुए, तीसरा तो बाद में अलग बात है, लेकिन दो एंग्लो अफगान वॉर जो है 19 सेंचुरी में हुए, उनमें अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया जो है, ये जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, ये कंट्रोल नहीं कर पाई और यहां पे रशिया भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये स्थिति यहां पे रही, इसको ग्रेट गेम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स और रशिया ने, दोनों ने मिलकर यहां पे अफगानिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश करी। उसके बाद साल 1907 आते आते 31 अगस्त 1907 को ये जो ग्रेट गेम है ये खत्म हुआ, जहां पे अंग्रेजों और रशिया के बीच में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें इन्होंने ट्रीटी साइन करी और अफगानिस्तान को एज ए न्यूट्रल जोन बनाने की बात रखी और अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको तय किया। तो ये सब चीजें यहां पर चल रही थी, इसको ग्रेट गेम कहा जाता है। तो ग्रेट गेम के दौरान भी ये एक पॉलिटिकल दायरा बना रहा जिसमें ये इस ज्योग्राफी को कंट्रोल करना चाहते थे, बफर जोन बन के रहा। उसके बाद ब्रिटिशर्स, मैंने क्या कहा था, एंग्लो अफगान वॉर हुए, पहला एंग्लो अफगान वॉर, मैंने एंग्लो अफगान वॉर पढ़ा रखे हैं, अगर आप जाके देखना चाहो तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोज में वो मिल जाएगी। तो 1838 में पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ, फिर 1878 में दूसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ, पीस ट्रीटीज भी साइन हुई, पीस ट्रीटी साइन हुई, उसके बाद ये एक बफर जोन बन गया रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, लेकिन यहां पे ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था,
यहां पे जो राजा थे वो पपेट्स थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन ओवर द टाइम आगे चल के उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और ये जो ट्रीटी थे, जो एग्रीमेंट्स थे इनके बीच में, वो फेल हो गए। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं 1914 से 1918 के बीच में रहा। ब्रिटिशर्स उसमें जीत गए थे, जो ओटोमन एम्पायर वगैरह हार गए थे, वो सब चीजें आपको पता है। तो उसके बाद क्या होता है, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर होता है, ब्रिटिश अफगान वॉर होता है 1919 से 21 के बीच में। यहां पे भी ब्रिटिशर्स नहीं जीत पाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, और यहां पे अफगानिस्तान के जो आमिर थे, अमीर मतलब वहां का राजा ही है, अमीर अमानुल्ला खान जो है, इनके साथ एक एग्रीमेंट होता है ब्रिटिशर्स का, वो इंडिपेंडेंट नेशंस उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन है। और उसके बाद यहां का जो मोनार्की है, यहां पे जो अमानुल्ला खान है, ये मोनार्की इस्टेब्लिश करते हैं और ये अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। तो ये स्थिति है इस समय की, 1920 के समय की। अब 1930 से 50 के समय का जो टाइम है उसकी बात करते हैं। अमानुल्ला खान जो थे, ये मॉडर्नाइजेशन चाहते थे कि ये अपने देश को थोड़ा आगे ग्रो करने के लिए मॉडर्नाइजेशन इन्होंने अपनाया। जो पुरानी जो परंपराएं चल रही थी, इस्लाम यहाँ पे आ चुका था पहले से, आप जानते हैं कि इस्लाम का यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो ज्यादातर जो लोग थे वो इस्लाम फॉलो करने वाले थे। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी थे। जो स्थिति थी, शरिया लॉ था, उससे आगे हटके इन्होंने मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करी। तो बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिटिक थे अमानुल्ला खान के, उन्होंने वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने अपने ही राजा के खिलाफ हथियार उठा लिए और 1928-29 के बीच में यहाँ पे अमानुल्ला खान को, राजा को अपना पद छोड़ के भागना पड़ा, वो देश छोड़ के भाग गया। और यहाँ पे 1933 में नया राजा बनता है जहीर शाह जो है, यहाँ पे नए राजा बन जाते हैं और अगले 40 साल तक वो रूलर रहते हैं। कुछ हद तक स्टेबिलिटी भी रहती है, बीच में चीजें बदलती भी हैं, लेकिन 40 साल तक वो राजा रहते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं 1950 के दशक में कोल्ड वॉर एरा शुरू हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर एरा क्या है? कोल्ड वॉर एरा ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो अलाइज हैं, जो अमेरिका और उसके समर्थक देश हैं, जहां पे पूरी तरीके से कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था, रशिया था, यूएसएसआर था, मतलब उसके जो समर्थक हैं जो कि कम्युनिस्ट थे, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। कैपिटलिस्ट चाहते थे कि वो कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाएं, कम्युनिस्ट चाहते थे कि कम्युनिज्म को आगे बढ़ाएं। तो उसके बीच में एक वॉर चल रहा था जो हीट वॉर नहीं बना, जो कोल्ड वॉर की तरह रहा। कोल्ड वॉर क्या होता है कि दो देश आपस में सीधा नहीं लड़ेंगे, सीधा नहीं भिड़ेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे देश में जाके, जैसे अफगानिस्तान में जाके एक ग्रुप कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर देगा, दूसरा ग्रुप उनको सपोर्ट कर देगा जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। दोनों आपस में लड़ाते रहेंगे और पीछे से बैक सपोर्ट रहेगा इनको, हथियार प्रोवाइड करने में, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने में। इस तरीके से जो वॉर चलता है, प्रॉक्सी वॉर जो चलता है, उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। तो ये कोल्ड वॉर एरा था, इसके ऊपर हम सेपरेट बनाएंगे वीडियो, तब बात करेंगे। तो ये एरा जो था उसमें अफगानिस्तान की स्थिति कैसी रही, उसमें क्या होता है, साल 1953 में एक प्रो सोवियत जर्नल होता है, प्रो सोवियत यानी कि जो सोवियत का समर्थक है, महमूद दाऊद खान, ये जाहिर खान का, ये जो जहीर खान शाह है इनका कजिन होता है, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, और ये क्या है, प्रो सोवियत है तो यानी कम्युनिस्ट है, तो ये कम्युनिस्ट नेशन की तरफ बढ़ने लग गया और इसकी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं वो कम्युनिज्म की तरफ होने लग गई, सोशलिज्म यहाँ पे ज्यादा फॉलो किया जाने लगा। तो जो नेटो कंट्रीज हैं, जो यूएसए है, वो सब इसको देख रहे थे और वो यहाँ पे इस चीज को नहीं करना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान है वो एक कम्युनिस्ट देश बने। उसने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे औरतों को ज्यादा आजादी दी, और जैसा कि आपको पता है एक कम्युनिस्ट जो भी व्यक्ति होता है, मोस्टली जो कम्युनिस्ट हैं वो क्या होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं, वो एथिस्ट होते हैं, तो वो धार्मिक चीजों को ज्यादा बिलीव नहीं करते। धर्म क्या कहता है, धर्म औरतों को किस तरीके के अधिकार देता है, ये सब चीजें वो नहीं मानते। वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, वो कहते हैं धर्म नहीं है, सत्ता के हिसाब से रूल बनेंगे, जो देश का लीडर चाहेंगे वही होगा। मोहम्मद दाऊद खान जो है उसके बाद कुछ समय बाद खुद पावरफुल हो जाता है, अपने कजिन जाहिर शाह को यहां से मिलिट्री क्यू के दौरान हटा देता है और कंप्लीटली राजा की जो सत्ता है जाहिर शाह की वो हट जाती है, खत्म हो जाती है। और यहां पे जो मोहम्मद दाऊद खां है वो पहले प्रधानमंत्री था, अब वो कहता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा यहां का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनूंगा, और अब यहां पे मोनार्की है वो अबोलिश हो चुकी है और अब यहां पे बनेगा रिपब्लिक ऑफ
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को उसने रिपब्लिक बना दिया, उसने उसको मोनार्की से रिपब्लिक बनाने का काम कर दिया। और किसके साथ अपने जो टाइज हैं वो किसके साथ इस्टेब्लिश करें, यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर के साथ उसने अपने रिलेशन बना लिए। कहा कि अब दिख रहा है आपको अफगानिस्तान एक रिपब्लिक बन चुका है, यूएसएसआर के खेमे में जा चुका है, तो कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है। अब आगे क्या जा रहा है, कम्युनिस्ट कू ऑफ 1978। कम्युनिस्ट कू मतलब क्या होता है, तख्ता पलट। तो नूर मोहम्मद तारिकी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अफगान कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक फाउंडिंग मेंबर है, उसने दाऊद खां की हत्या कर दी। दाऊद खां जो अभी राष्ट्रपति बना था, जिसने रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किया था और सत्ता खुद कंट्रोल में ले ली, अब वो भी प्रेसिडेंट ही रहा, राजा नहीं रहा। उसने कहा कि अफगानिस्तान अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करेगा, हम आजाद रहेंगे, हम किसी भी तरीके के डोमिनेंस में नहीं रहेंगे सोवियत के, सोवियत के इन्फ्लुएंस को हम चाहते ही नहीं है, हम हमारे हिसाब से चलेंगे और हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करेंगे, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इसका मतलब पूरी तरीके से कम्युनिस्ट आइडियाज से मैं बिलीव नहीं करता, थोड़ा सा वो हट के बात करना चाहते हैं, क्योंकि यूएसएसआर तो किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता था, वो तो एथिस स्टेट हो चुका था, ठीक है। तो यहां पे ये चाहता था कि धर्म का एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट तो रहे, फिर भी हम कम्युनिस्ट रहे। तो नूर मोहम्मद तारिकी की सत्ता यहां पर आ गई। फिर उसके बाद हफीजुल्ला अमीन, हफीजुल्ला अमीन जो है ये एक और कम्युनिस्ट लीडर होता है, इसने तारिकी की हत्या कर दी और यहां पे अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लिया। और अब ये जो व्यक्ति था, इसने जो हफीजुल्ला अमीन ने हत्या करी, तो इसके साथ था सोवियत, सोवियत की मर्जी से ही ऐसा हुआ था कि तारिकी की हत्या करवा दो, क्योंकि तारिकी जो है वो सोवियत इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहता था। तो हफीजुल्ला अमीन जो है यहां पे राजा प्रेसिडेंट बन गए, सोवियत का जो डोमिनेंस है वो फिर से यहां पे बढ़ने लग गया। अब ये स्थिति हो गई कि अफगानी जो लोग थे वो सोवियत के खिलाफ होने लग गए धीरे 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 धीरे। खिलाफ होने का कारण ये था कि ये जो सोशल चेंज कर रहा था सोवियत और सोवियत के जो पपेट रूलर्स थे यहाँ पे, वो बार बार ऐसे सोशल चेंज कर रहे थे जो इनके धर्म के हिसाब से, इस्लामिक रूल के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से सही नहीं थे। वो बार बार चाहते थे चीजें, और उनको ये भी लगता था कि जो यूएसएसआर है वो तो एक एथिस स्टेट है, उनका तो कोई धर्म ही नहीं है, ये हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक लोग थे, जो कंजर्वेटिव थे, जो एथनिकल लीडर थे, वो यहाँ पे यूएसएसआर के खिलाफ हो गए। उन्होंने अपने गुरिला मोमेंट्स शुरू कर दिए। कि गुरिला मोमेंट्स क्या होते हैं, कि छापामार युद्ध, छिप के युद्ध करना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सेना के सामने अगर टिक नहीं पाओगे तो कम नंबर में हो तो आप छुप के युद्ध मारो उनको, पीछे से 10 लोग कहीं आर्मी की टुकड़ी जा रही है उनके ऊपर अटैक कर दिया, अचानक से उनको मार दिया। तो इन गुरिला मूवमेंट्स के जो लीड कर रहे थे, इन लोगों को कहा गया मुजाहिदीन, ये अपने आप को मुजाहिदीन कहते थे। और ये सोवियत बैक आर्मी जो थी अफगानिस्तान में उस समय की, और सोवियत के जो यहाँ पे थोड़ी बहुत आर्मी थी उसको ये अटैक करते थे। और इन्होंने किया कि मुजाहिदीन ने जिहाद डिक्लेयर कर दिया सोवियत के खिलाफ, होली वॉर जिसको कहते हैं, जिहाद कह दिया। और इस इन मुजाहिदीन को पीछे से सपोर्ट कौन करता था, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएसए, नेटो और चाइना भी सपोर्ट करता था। इवन सोचिए तो यूएसए क्यों सपोर्ट करता था, ठीक है पाकिस्तान सऊदी अरब तो ये तो इस्लामिक स्टेट्स हैं और ये नहीं चाहते कि इस्लाम के जो सोशल चेंजेस में कोई दूसरा इंटरफेयर करे, ये बात ठीक है। यूएसए क्यों चाहता था, यूएसए तो मौका ढूंढ रहा था किसी भी तरीके से सोवियत को काउंटर करने का। यूएसए पूरी तरीके से बस ये चाहता था कि किसी भी तरीके से यूएसएसआर जो रशिया है उसको काउंटर किया जाए। तो यूएसए यहां पे ये जो जिहादी थे, जो ये जो मुजाहिदीन थे, इनको हथियार सप्लाई करना, इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, ये सब चीजें कर दिया। नेटो जो है वो इनका अलाइज थे ही, मतलब जो दूसरे देश थे इनके साथ, ठीक है। उसके बाद चाइना क्यों सपोर्ट करता था, चाइना तो खुद कम्युनिस्ट था। चाइना और रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में साल 1962 में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, उसके बाद रशिया चाहता था कि यूएसएसआर की डोमिनेंस थोड़ी कम हो, तो इसलिए वो भी सपोर्ट करता था मुजाहिदीनों को, इन मुजाहिदीन को। ये चीजें हुई। उसके बाद सोवियत का अफगानिस्तान में एंट्री होती है। कैसे होती है, देखिए ये जो सिचुएशन है, मुजाहिदीन जब अटैक करना शुरू करते हैं तो अमीन की जो सरकार है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। हफीजुल्ला अमीन जो है वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो हेल्प मांगते हैं यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर की जो आर्मी है वो अफगानिस्तान में 24 दिसंबर 1979 को एंटर करती है।
और इस दिन एंटर करके वो अपनी जो कम्युनिस्ट रिजीम है उसको बचाने के लिए पूरी तरीके से धावा बोल देती है। ये तस्वीरें हैं उस समय की कि कम्युनिस्ट यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। पूरा यूएन जो है, दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वो काफी विरोध करते हैं सोवियत का इस बात पे कि आप कैसे घुस गए किसी देश के इंटरनल मैटर्स में। लेकिन सोवियत बिना परवाह किए यहाँ पे जाके यहाँ के सत्ता ही में जो लोग थे, आमीन, जो खुद यूएसएसआर के सपोर्ट से ही वहां बैठे थे, उसकी भी उसने जाके हत्या कर दी, उनको एग्जीक्यूट कर दिया और इन लोगों को हटा के नए राष्ट्रपति को यहां पे बिठा दिया, नए प्रधानमंत्री को बिठा दिया, सॉरी, बराक करमान को यहां पे राष्ट्रपति बना दिया। ये प्रधानमंत्री थे पहले, इसको प्रेसिडेंट बना दिया यहां पे, ठीक है, कारमाल को यहां पे राष्ट्रपति बना दिया। ये स्थिति है। अब देखिए, राष्ट्रपति तो यहां पे इतने बदलेंगे कि आपको नाम ही याद नहीं रहेंगे, इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं चीजें धीरे धीरे आपके आगे बढ़ती जाएंगी। अब गुरिला वॉरफेयर जो है, जो जिहाद जो है, वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया कि ये जो सोवियत आर्मी है ये हमारे देश में कैसे आ गई। यहां पे अफगानिस्तानियों का जो देशभक्ति थी, जो नेशनलिज्म था, वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के आया और पीछे से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएसए, नेटो, इन कंट्रीज ने इनको सपोर्ट भी किया, हथियार भी प्रोवाइड किए। इन्होंने सोवियत आर्मी के ऊपर बार बार अटैक किए, सोवियत आर्मी ने शहरों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया और ये जो मिलिशियाज थे, अफगानिस्तानी जो जिहादी थे, इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका कंट्रोल कभी भी यूएसएसआर की आर्मी को नहीं लेने दिया। और स्थिति ऐसी हुई, इतने वॉर क्राइम्स हुए, यूएसएसआर की आर्मी ने भी इतने वॉर क्राइम्स करे, बहुत लोगों को यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया। इधर से तालिबानी जो हैं, वो जो समर्थक थे यूएसएसआर के, उनको मार रहे थे। तो साल 1982 की समय की अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2.8 मिलियन 28 लाख लोग जो है अफगानी, वो पाकिस्तान, ईरान और इन देशों में जाके चले गए, रिफ्यूजी कैंप्स में जाके उनको रहना पड़ा और बहुत ज्यादा स्थिति उनकी खराब हुई। ये देखिए, रिफ्यूजी क्राइसिस जो है, ये पेशावर के जो रिफ्यूजी कैंप था, ये दुनिया का एक समय सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप माना जाता था, पेशावर पाकिस्तान में जो कैंप था इनका, पेशावर इनके बॉर्डर के पास ही लगता है, मैंने दिखाया था शुरू में मैप में। तो इस तरीके की स्थिति यहां हुई, आम लोगों के लिए लाइफ बहुत ही खराब हो गई। और ये रोनाल्ड रेगन है, उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इनसे मुजाहिदीन लीडर्स जाके मिले और ये और ज्यादा असिस्टेंस चाहते थे कि उनको और ज्यादा हथियार और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो यूएसएसआर से लड़ सकें। यूएसएसआर की आर्मी बहुत ताकतवर थी उस समय। उसके बाद ये एक गेम चेंजर मिसाइल इनको मिली, स्टिंगर एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इसको बोला जाता है। इसमें क्या है कि एक आदमी कंधे पे ही इस मिसाइल को लेके हेलीकॉप्टर वगैरह जो थे उन फ्लाइट्स को ये यहाँ पे टारगेट कर सकते थे। तो ये जो CIA ने जो इनको स्टिंगर मिसाइल प्रोवाइड करी, इससे इन्होंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को, यूएस हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और यूएसएसआर को यहाँ पे पीछे धकेला काफी हद तक। तो ये चीजें हैं, हथियार इनको प्रोवाइड कर ही रहा था यूएसए, पैसा भी प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद स्थिति क्या होती है, स्थिति यूएसएसआर में बदलती है, वहां पे कुछ राजनीतिक चेंज आते हैं। और राजनीतिक चेंज क्या आते हैं, मिखाइल गोरबचेव जो हैं, ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है उसके, 1985 में बनते हैं, 1991 तक रहते हैं। और ये व्यक्ति जो है, इसने यूएसएसआर की तस्वीर बदल दी। यूएसएसआर के पतन की जब हम बात करेंगे, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि यूएसएसआर का जो पतन हुआ उसमें मिखाइल गोरबचेव की जो पॉलिसीज थी, जो इन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई थी, ग्लासनोस्ट वगैरह, ये बहुत ही मतलब वो बनी, कारण बनी यूएसएसआर के पतन का कि कम्युनिस्ट पार्टी में इन्होंने इतने रिफॉर्म्स किए। ये चाहते थे कि जिस तरीके से सत्ता स्टालिन वगैरह के समय चल रही थी कि पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप, पूरा कंट्रोल, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर करना चाहता है वही हो रहा है, ऐसा नहीं किया। मिखाइल गोरबचेव थोड़े से लिबरल आदमी थे, ये चाहते थे कि ओपननेस न रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है इंस्टीट्यूशंस में, और जो भी सोवियत यूनियन के जो एक्टिविटीज हैं उसमें लोगों को पता चले कि उनकी सरकार किस तरह से काम कर रही है। जब ये चीजें हुई तो लोगों ने भी जो सरकार के काम करने के जो तरीके थे उनके ऊपर सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि आप अफगानिस्तान में हमारा, टैक्स पेयर्स का इतना पैसा क्यों डाल रहे हो, वहां पे हमारा क्या काम है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मिखाइल गोरबचेव अपनी जनता के प्रति जवाबदेही रखना चाहते थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम
अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस को अब खत्म करेंगे, हमारी आर्मी को वापस बुलाएंगे, ये सब चीजें यहां पे चल रही थी। और इसी वजह से देखो मिखाइल गोरबचेव ने आगे चल के साल 1988 में जेनेवा पीस अकॉर्ड्स पे साइन किया, और जेनेवा पीस अकॉर्ड्स में इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन अब और निकल जाएगा। इसमें सोवियत यूनियन भी था, अफगानिस्तान भी था, यूएसए भी था, पाकिस्तान भी था, इन सभी फोर्सेज ने कहा कि इनसे ये बातचीत में इन्होंने कहा कि अब यूएसएसआर अफगानिस्तान को छोड़ देगा, अपनी आर्मी को यहां से विड्रॉ कर लेगा। और उसके बाद साल 1990 में मिखाइल गोरबचेव को नोबेल पीस प्राइज भी मिला। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, समाप्त हो गया, फॉल हो गया यूएसएसआर का, जिसके बाद रशिया बन गया और बहुत सारे देश बन गए। तो 15 फरवरी 1989 को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान की धरती को छोड़ दिया। और ये जो एक जो चरण था बहुत बड़ा 79 से 89 के बीच में, वो खत्म हो गया कि सोवियत अफगान वॉर जो है वो पूरी तरीके से यहां पे खत्म हो गया। लेकिन जो ही सोवियत ने यहां पे अफगानिस्तान को छोड़ा तो स्थिति क्या हुई, जो लोकल लीडर थे, जो मुजाहिदीन ऑपरेटिव्स थे, जो वॉरलॉर्ड्स थे यहां पे, जो लड़ रहे थे सोवियत के खिलाफ, वो अब सत्ता को कंट्रोल करना चाहते थे। उनके पास अपने अपने मिलिशियाज भी थे, ग्रुप भी थे, उनके पास हथियार भी थे, उनके पास यूएस की फंडिंग थी, पैसा था उनके पास। तो यहां पे इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, जो कि होना ही था। हमेशा यूएसए पाकिस्तान अफगानिस्तान में यही रहा है इतिहास कि कोई फॉरेन इन्वेडर वहां पे आता है, उसके उसका तो मुकाबला कर लेते हैं, उसको किसी भी तरीके से मार धाड़ करके भगा देते हैं, लेकिन वो चला जाता है, उसके बाद अपनी सत्ता में वो खुद ही लड़ते रहते हैं, खुद ही पावर स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। तो ये चीज यहां पे हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स जो थे यहाँ पे पहले से एक्टिवेट थे, उनका इमर्ज हुआ, वो इमर्ज हुए बहुत ही पावरफुल ग्रुप्स की तरह। इसमें तालिबान सबसे इंपॉर्टेंट था, नॉर्दर्न अलायंस था, अलकायदा था। अलकायदा कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं था, आतंकवादी संगठन ही था ये, तो इसको तो तालिबान का भी इसको समर्थन मिला हुआ था। वो अब सबकी बात कर लेते हैं एक एक करके। तालिबान की राइज कैसे हुआ, जो आज के समय जो सत्ता में जो ग्रुप है तालिबान, तालिब का मतलब क्या होता है, शिक्षा। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तालिबान का मतलब देखिए, सोचिए, स्टूडेंट होता है, कौन सी भाषा में, पश्तो भाषा में। और अर्ली 1990s में ये जो नॉर्दर्न पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जो पेशावर के जो कैंप हैं, वहां से ये इसका राइज हुआ। ज्यादातर लोगों का यही मानना है, कुछ लोगों का मानना है अफगानिस्तान में राइज हुआ, कुछ लोगों का मानना है पाकिस्तान में राइज हुआ। तो ये लोग जो है ये भी मुजाहिदीन ही थे, ये लोग पश्तून मोमेंट इसको कहा जाता है कि पश्तूनों ने, पश्तून जो आबादी है, मैंने बताया 42% पश्तून आबादी है, उनका एक मोमेंट शुरू हुआ था। वो रिलीजियस अपने मोटिवेशंस की वजह से, जिस तरीके से सोवियत इनके ऊपर हावी था, उनकी जो पॉलिसीज थी, सोशल रिफॉर्म्स थे, उनके खिलाफ था। सऊदी अरब इनको पीछे से बैक करता था, पाकिस्तान बैक करता था, और ये हार्डकोर इस्लाम जो सुन्नी इस्लाम है उसको फॉलो करते थे, करते हैं, और ये कहते थे कि हम किसी भी तरीके से तालिबान की सत्ता लाना चाहते हैं अफगानिस्तान में, सोवियत को यहां से भगाना चाहते हैं। इनके जो लीडर थे, जो इंपॉर्टेंट लीडर है अभी के समय, वो है आमिर अल मोमिनीन और अब्दुल गली बरादर, ये अभी राष्ट्रपति बने हैं, इनका तो नाम आपने सुना होगा। ये जो आदमी है इनका भी मैं क्या इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हूं, तो बरादर जो है ये अभी उस समय प्रेसिडेंट बना है, तो ये लीडर हैं। तो इसका जो राइज हुआ और आगे क्या हुआ वो चीजें मैं बताऊंगा। तो यहां पे इसकी शुरुआत हुई थी, आगे जब सत्ता में आएगा मैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। उसके अलावा अलकायदा था, अलकायदा का जो लीडर है ओसामा बिन लादेन, सभी इससे वाकिफ हैं, सब जानते होंगे कि इस अलकायदा का वैसे मतलब होता है द बेस द फाउंडेशन। इसने शुरुआत की थी, ये सऊदी अरब का एक लड़का था, शुरुआत में ये मुजाहिदीन बनने के लिए ही आया था अफगानिस्तान के अंदर, जो सोवियत की सरकार है उसको हटाने के लिए, सोवियत को भगाने के लिए। लेकिन इसका जो मोटिव था वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीमिस्ट था, ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट था, सलाफिस्ट मोमेंट को ये सपोर्ट करता था, वहाबिज्म में बताया था मैंने आपको। तो उसको जिहादी मोमेंट के थ्रू ये चाहता था कि पूरी तरीके से इस्लामिक रूल हो पूरी दुनिया पे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको हराना पड़ेगा। और ग्लोबल पावर उस समय दो बड़े पावर हब थे, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था। जब यूएसएसआर हार गया 1991 में, यूएसएसआर का तो फॉल हो गया, अब ये चाहता था कि किसी भी तरीके से इसका जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ यूएसए की तरफ, कि भाई एक सुपर पावर और बची है, ये भी हमारे बीच में एक बड़ा वो है, ऑब्स्टेकल है, कि हम इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक रूल को अगर पूरी दुनिया पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें यूएसए को भी हराना पड़ेगा। बड़े अजीब ही ख्याल थे, अजीब ही सपने थे इसके, इस तरीके के सपने इसको लगता था पूरा कर पाएगा। उसके लिए इसने बहुत ही सारे टेररिस्ट अटैक भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करिए, जैसे
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दो अटैक करवाई, एक तो 9/11 का तो अटैक आप सभी जानते हैं, एक 1993 में किया, यूएस एम्बेसी पे बॉम्बिंग कराई 1998 में अफ्रीका के देशों में, और 9/11 के जो अटैक हुए वो आप सभी जानते हैं कि 2001 में सितंबर महीने में 11 सितंबर को ये अटैक हुए थे, चार प्लेन्स को हाईजैक करके दो प्लेन्स को तो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर घुसा दिया, और ये जो ट्विन टावर्स थे ये दुनिया के उस समय सबसे ऊंची इमारतों में से एक थे, इनको गिरा दिया, और दूसरा एक पेंटागन में जो अमेरिका की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एक हाईजैक करवाई, एक प्लेन को वहां पे वो करवाया, सॉरी क्या बोलते हैं उसके अंदर घुसा दिया पेंटागन में, एक प्लेन को इसको घुसाना था व्हाइट हाउस पे जो कि फेल हो गया, वो ग्राउंड पे जाके गिर गई थी, प्लेन्स में जाके गिर गई थी वो विमान। तो इस तरीके के टेररिस्ट अटैक करवाया, 3000 से ज्यादा लोग इस टेररिस्ट अटैक में मारे गए। उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ, वो आगे मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले नॉर्दर्न अलायंस की भी बात कर देते हैं। ये भी अभी काफी न्यूज में रहता है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो तालिबान का कंटिन्यूअसली विरोध कर रहा है, अभी भी जो नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में कुछ इलाके हैं जिसके ऊपर तालिबान पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया है। इनका लीडर था अहमद शाह मसूद, अहमद शाह मसूद जो था ये हमेशा ये भी एक नॉर्दर्न अलायंस का लीडर था, ये भी कंट्रोल करना चाहता था अफगानिस्तान को, लेकिन क्योंकि तालिबान ज्यादा ताकतवर था तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था, तो इनकी फाइट जो है कंटिन्यूअसली चलती रही है। अहमद शाह मसूद को तो मरवा दिया था 2001 से पहले, 9/11 से दो दिन पहले ही मरवाया था, मैं बताऊंगा आपको आगे। और बाकी जो अभी भी ये ग्रुप है इसका बेटा जो है वो मसूद चला रहा है, शाह नहीं लगता उसके, बस अहमद मसूद नाम है उसका, वो अभी भी कोशिश कर रहा है तालिबान के खिलाफ लड़ने की, और कुछ इलाकों में अभी भी उनका कंट्रोल है। अब बात करते हैं 1989 से 96 के बीच में जो अफगान सिविल वॉर हुआ उसकी। तो 1991 में जैसे कि मैंने बताया 1989 में चला गया था यूएसएसआर, आर्मी चली गई थी, उसके दो साल बाद यूएसएसआर का फॉल हो जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है, विघटन हो जाता है, और उसके एक साल बाद ही 1992 में नजीबुल्ला की जो सरकार थी, नजीबुल्ला अमीन की जो सरकार बना रखी थी अफगानिस्तान में यूएसएसआर के सपोर्ट से वो सरकार बनी थी, उसका भी पतन हो जाता है, वो भी कोलैप्स कर जाती है। अब क्या होता है, इंटरनल पावर स्ट्रगल मैंने बताया, और वो पावर स्ट्रगल मेनली चल रहा था तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में, तालिबान और इनके बीच में एक लंबी फाइट चल रही थी, केओटिक माहौल चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, इसी को सिविल वॉर का समय कहते हैं। साल 1996 आते आते तालिबान जो है वो जीत जाता है इस लड़ाई में, इस सिविल वॉर में तालिबान की जीत होती है, नॉर्दर्न अलायंस हार जाते हैं, लगभग मतलब दो तिहाई हिस्सा तालिबान के पास होता है, यहां पे ये तालिबान जीत जाता है, ये कुछ हिस्सा नॉर्दर्न अलायंस के पास रहता है, आज भी कुछ हिस्सा तालिबान का के पास नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ हिस्से में आज भी नॉर्दर्न अलायंस का कंट्रोल है, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है, वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह गए हैं, तालिबान ओवर द टाइम आगे बढ़ता ही रहा है, ये स्थिति रही है। अब बात करते हैं तालिबान रूल की। तालिबान रूल जो पहले रहा था 1996 से 2001 के बीच में, उसका जो लीडर था वो था मुल्ला मोहम्मद उमर, ये फाउंडिंग मेंबर था, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था जो तालिबान ग्रुप था उसका। इसने तालिबान एज ए तालिबान लीडर एज ए प्रेसिडेंट इसने ओथ ली। इसके बाद इसने जैसा कि इनका एजेंडा था स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को यहां पे इंपोज किया, बहुत ही हार्ड रूल जो है शरीयत के जो कानून है उनको इंपोज किया, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब हुई वो हुई महिलाओं की, और आज भी इसके ऊपर आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे कि महिलाएं बहुत ही डर में हैं वहां पे कि उनके अधिकारों का क्या होगा। एक समय था जब महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जब मॉडर्नाइजेशन हुआ था, जब सोवियत के समय पे हुआ था मॉडर्नाइजेशन, ये बात माननी पड़ेगी। उसके बाद यहां पे जब स्थिति खराब हुई तालिबान के समय तो वुमेन राइट्स चले गए, उसके बाद जब यूएसए आया तो फिर से उनको अधिकार दिए गए, लेकिन अब फिर डर है। जब तालिबान का रूल था तो यहां पे उनके लिए फिक्स ड्रेस कोड रख दिया गया, जैसे हिजाब और बुरका पहनना कंपलसरी कर दिया, स्कूलों में जाना बिल्कुल मना कर दिया कि बच्चियां जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जाएंगी, कोई भी वो काम नहीं कर सकती, पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती, ऑफिस वाले काम वो नहीं जा सकती, इवन
उनको घर से बाहर जाने के लिए भी किसी मेल मेंबर के साथ जाना ही पड़ेगा, या तो अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, अपने बच्चे के साथ, या मतलब बेटे के साथ, या अपने पिता के साथ। अकेली वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, ऐसी स्थिति थी तालिबान रूल में महिलाओं की। इसीलिए महिलाएं अब बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अभी भी तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, वो उसको विरोध कर रही हैं, जबकि बहुत सारी जो आर्मी है उसने भी हथियार डाल दिए, लेकिन महिलाएं अभी भी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से विरोध किया जाए, उनकी मदद की जाए। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि लार्ज स्केल पे ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हुए, अब्यूजेज हुए, लोगों को मारा गया, जो भी तालिबान का विरोध करता था उसको सरेआम मार दिया जाता था। और उसके बाद जो गलती करी तालिबान ने, जिसको पे ऊपर यूएसए भड़का, वो था अलकायदा को शेल्टर देना। अलकायदा को इन्होंने शरण दी। और उसके बाद अगर बात करें इस तालिबान सरकार की, जिसको तालिबान रूल करता था, तो इसमें सिर्फ तीन ही देशों ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, एक था पाकिस्तान, एक था सऊदी अरब, और एक है यूनाइटेड स्टेट्स अरबाद, यूएई जो है। इन तीन देशों ने ही इसको रिकॉग्नाइज किया था कि तालिबान की जो रेजिम है वो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, बाकी किसी ने इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। आज के समय स्थितियां अलग हैं। उसके बाद इसी दौरान 1999 के दिसंबर महीने में आपको ध्यान होगा कि भारत की एक एरोप्लेन थी, एक प्लेन था, 804 एयरलाइंस जो थी, इसको इन्होंने हाईजैक कर लिया था, कांधार लेके चले गए थे ये जो पैसेंजर एयरलाइंस की जो इंडियन जो फ्लाइट थी, काठमांडू से नई दिल्ली के लिए ये जो प्लेन जा रही थी, इसको हाईजैक कर लिया और कांधार लेके चले गए। 176 यात्री इसमें सवार थे। और इनका मोटिव क्या था? तालिबान की जो सरकार के दौरान ही जो आतंकवादी संगठन थे, उन्होंने इसको हाईजैक इसलिए किया था ताकि ये तीन आतंकवादी थे मुश्ताक अहमद जगजार, अहमद उमर सैयद शेख और मसूद अजहर, इन तीनों को भारत की जेल से आजाद कराया जा सके। भारत ने इनको पकड़ रखा था, भारत को मजबूरन अपने यात्रियों को बचाने के लिए इनको तालिबान सरकार को, तालिबान की जो आतंकवादी सरकार थी ये कह सकते हैं आप उसको, अपने पैसेंजर के एक्सचेंज में इनको छोड़ना पड़ा, मजबूरन ये कदम उठाने पड़े और इन तीनों को छोड़ दिया गया। तो ये प्लेन हाईजैक वाला मामला भी था, यूएन ने भी इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का की सूची में डाल दिया था। फिर एक और बड़ी घटना होती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, 9/11/2001 9 सितंबर 2001 को तो इन्होंने जो अहमद शाह मसूद जो था उसकी हत्या करा दी, और यहां पे जो अलकायदा है उसने हत्या करवाई थी इसकी। उसके दो दिन बाद 11 सितंबर को वो प्लेन हाईजैक वाला मामला होता है, चार प्लेन हाईजैक किए, न्यूयॉर्क सिटी में ट्विन टावर पे अटैक हुआ, वहां पे WTC की बिल्डिंग्स को गिराया इन्होंने, उसके अलावा व्हाइट हाउस पे जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके अलावा पेंटागन पे अटैक किया। अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली, लीडर कौन था यहाँ पे? ओसामा बिन लादेन था। यूएस ने डिमांड की तालिबान से कि हमें हमारा जो विक्टिम है, विक्टिम क्या, हमारा जो ये जो हम पे जो अटैक करने वाला व्यक्ति है ओसामा बिन लादेन, ये हमें हैंड ओवर कर दो, लेकिन यहाँ पे तालिबान ने मना कर दिया। तो ऑब्वियसली यूएस डिक्लेयर वॉर ऑन अफगानिस्तान। यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे उस समय के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि या तो आप हमारे साथ हो या फिर आप आतंकवादियों के साथ हो, मतलब जो भी इस लड़ाई में, क्योंकि इतना बड़ा अटैक हुआ था, इतिहास का इतना बड़ा अटैक माना जाता है, 3000 लोग मारे गए यूएस के, और उसके ऊपर यूएस की जनता और यूएस के राष्ट्रपति सरकार बहुत गुस्सा थी कि अफगानिस्तान का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप अमेरिका पे इस तरीके का अटैक कर रहा है, इतने लोगों को मार दिया, और हमें जो आतंकवादी है उसको हैंड ओवर भी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करते हैं, तो जो लोग हमारे साथ हैं वो तो हमारे साथ हैं, और जो हमारे साथ नहीं है ना, चाहे वो न्यूट्रल होने का भी दावा करते हैं, वो साथ नहीं है, वो टेररिस्ट के साथ हैं। ये बात इन्होंने कही, ये बहुत ही फेमस इनका स्पीच है। और यहां से अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम लॉन्च कर देती हैं अफगानिस्तान पे 2001 में, और यहाँ पे अफगानिस्तान की जो फोर्स है, जो एयर फोर्स है, ये सब धमाधम नवंबर महीने में ही जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं जो शहरी क्षेत्र हैं काबुल हैं उनको, और नॉर्दर्न अलायंस ऑब्वियसली ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे साथ में यूएस को। नॉर्दर्न अलायंस तो चाहते ही थे कि तालिबान की सत्ता किसी भी तरीके से हटे, और यहाँ पे तालिबान को जल्दी ही सत्ता से तो हटा दिया जाता है 13 नवंबर को, और नॉर्दर्न अलायंस का एक लीडर होता है हमीद करजाई, इसको अंतरिम प्रेजिडेंट बना दिया जाता है अफगानिस्तान का।
मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं रहता है, यहाँ पे इसको बना देता है यूएस और इसके जो अलाइज हैं वो अपनी मर्जी से बना देते हैं। बोन एग्रीमेंट के तहत इसको इंटरिम गवर्नमेंट का दर्जा दे दिया जाता है। हमीद करजाई आगे चल के दो इलेक्शन जीतते भी हैं, 2004 और 2009 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जीतते हैं। 2014 तक हमीद करजाई जो है यहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं। तो ये स्थिति थी अफगानिस्तान वॉर में 2014 तक की। 2014 के बाद क्या होता है, इसी दौरान बीच में ओसामा बिन लादेन के भी काम निपटा देता है यूएसए। और वो कैसे, देखिए एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, एक सीक्रेट, बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर। जब अफगानिस्तान को में तो कहीं मिलता नहीं है ओसामा बिन लादेन, और सीआईए जो हम इनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, जो खुफिया विभाग है अमेरिका का, उसको पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में है, अबोटाबाद शहर में है, और इस बहुत ही बिलाल टाउन एक जगह है, इस कंपाउंड में रह रहा है, बहुत ही आलीशान लाइफ जी रहा है। उसके बाद इनको पता चल जाता है, पाकिस्तान को कानो खान खबर नहीं होती, रात को ये ऑपरेशन होता है और रात के 1 बजे यहाँ पे ये जाके ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं। और ओसामा बिन लादेन को मारने वाले इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर। बहुत सारे मतलब लोग इसमें कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा क्योंकि उसके डीएनए सैंपल नहीं दिखाई, ये सब चीज़ें नहीं की बस। लेकिन अलकायदा ने बाद में माना कि ओसामा बिन लादेन इसमें मारा गया, और उन्होंने ये तक दावा किया कि हम बदला लेंगे यूएसए से, लेकिन बदला बदला तो छोड़िए, वो सब अलग बात है। तो 2 मई 2011 को यहां पे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर में। अब यहां पे तालिबान, क्योंकि एक बार तो तालिबान का दमन कर दिया था, और यहां पे धीरे धीरे करके जो सत्ता को धीरे धीरे दे रहा था यूएसए अफगानिस्तान की सरकार को, 2006 में अफगानिस्तान तालिबान के जो लड़ाके हैं वो धीरे धीरे फिर से इमर्ज होते हैं, साउदर्न अफगानिस्तान के एरिया को सीज करना शुरू कर देते हैं। 2012 में जो है नेटो जो ग्रुप है और यूएसए, ये सब लोग कहते हैं कि हम आगे चल के अपनी जो आर्मी है उसको 2014 तक क्या है अफगानिस्तान से निकाल लेंगे, और हम सारा का सारा जो सत्ता है वो अफगानिस्तान को हैंड ओवर करके यहां से निकल लेंगे। वहां पे 2014 में इलेक्शन होते हैं जिसमें अशरफ गनी जो हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। हालांकि इलेक्शन जो थे वो काफी डिस्प्यूटेड थे, इनके जो रिजल्ट थे वो लोगों को लगता था कि अशरफ गनी को जबरदस्ती यूएसए ने जिताया है, हमारी मतलब पॉपुलर नहीं थे ऐसा माना जाता है। और अब्दुल्लाह को यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहाँ पे बना दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता है। अशरफ गनी यही वो व्यक्ति है जो अभी अफगानिस्तान की सत्ता को छोड़ के भाग गया तालिबान के डर से। तो 2014 में, 2019 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2018 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है अफगान तालिबान के साथ निगोशिएशन करेंगे, पीस वार्ता करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज को, क्योंकि यूएस चाहता था कि किसी भी तरीके से अब अफगानिस्तान को हमें छोड़ना है। बहुत सारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा इन्होंने इनमें डाल दिया था, इतनी बहुत सारे जो यूएस सोल्जर्स हैं वो इसमें मारे गए हैं। एक लंबा समय यूएसए ने यहाँ पे बिताया, शुरुआत उसने की थी कि वो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एंटर किया था, लेकिन 2011 में उसको मारने के बाद भी इतने लंबे समय तक अफगानिस्तान में टिका हुआ था यूएसए। तो यूएसए के जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों वो उनका टैक्स पेयर का पैसा वहां पे बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप में एक पॉपुलिस्ट लीडर माने जाते हैं, जो पॉपुलर आइडियाज के ऊपर ज्यादा चलते थे, जो लोग चाहते हैं वही कर देते थे, लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा सोचने वाला वो काम भी उनका नहीं था होता था। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम जल्दी से जल्दी यूएसए को यहां से निकालेंगे, हमारी आर्मी को जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तो उन्होंने तालिबान के साथ एक बातचीत करी, और ये फरवरी महीने में बातचीत हुई थी दोहा में, कतर की जो राजधानी है दोहा में, फरवरी 29 को हुई थी। 2020 में इन्होंने कह दिया कि अब हम तालिबान से को तालिबान और इन्होंने एक पीस वार्ता की जिसमें कहा कि तालिबान तो अब आगे चल के अटैक नहीं करेगा अमेरिकन्स पे, और जो अमेरिका है वो अपने ट्रूप्स को यहां से निकाल लेगा। ये इनके बीच में बातचीत हो गई थी पिछले साल। उसके बाद यूएस यहां पे निकलने के लिए तैयार करने लग गया। अप्रैल 2021 में जो बाइडन ने ये अनाउंस कर दिया कि हम भाई सितंबर महीने तक यहां से निकल जाएंगे, सितंबर 11 सितंबर तक कंप्लीटली वो यहां से बाहर निकल जाएंगे। 11 सितंबर जो कि आप जानते हैं उस एनिवर्सरी है, 9/11 की एनिवर्सरी है, उसमें ये निकलने की बात इन्होंने कर दी थी। फिर मई महीने में, अब तालिबान मई में ही जो सोल्जर्स हैं यूएसए के वो निकलना शुरू हो गए थे धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं निकालने का प्लान था, धीरे धीरे करके निकालने का प्लान था। और यहां पे जो ही यूएस सोल्जर्स निकलना शुरू हुए, तालिबान ने धीरे धीरे करके यहां पे कंट्रोल टेरिटरी पे करना शुरू कर दिया।
अब तालिबान अगस्त महीने की बात कर देते हैं, लास्ट में आगे हैं बस। अब अगस्त महीने में क्या हुआ, इसी महीने क्या हुआ, छोटे धीरे धीरे करके शहर बाई शहर उन्होंने सारे प्रोविंस को जीत लिया। लोगों को लगता था, यूएस की जो एजेंसीज थी उनको भी ऐसा लगता था कि तालिबान कंट्रोल कर सकता है लेकिन काफी समय लग जाएगा, अभी नहीं। उनको लगता था, यूएस प्रेसिडेंट ने इवन ये कहा था कुछ समय पहले कि हम तो, जो वहां के मीडिया के लोगों ने पूछा कि यूएसए की आर्मी तो निकल रही है लेकिन अब अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या रहेगा, वो कैसे कंट्रोल करेगा तालिबान को, तो उन्होंने कहा कि यूएसए के ने ट्रेनिंग दी है, हथियार दिए हैं, पैसे दिए हैं गनी की सरकार को, और इनको इतना हमने तैयार कर दिया है कि वो तालिबान से लड़ सकते हैं। 3 लाख सोल्जर हैं उनके पास, उनको हमने हथियारबंद सोल्जर हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, और तालिबान के पास सिर्फ 75,000 से 85,000 के बीच में लोग हैं, लड़ने वाले लड़ाके हैं, तो उनका सामना आराम से कर पाएगी जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं, वो उनको आराम से हरा पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे करके काबुल पे भी कंट्रोल कर लिया। 15 अगस्त के दिन, अभी हमारे जो स्वतंत्रता दिवस का दिन था, उस दिन काबुल पे अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल कर रहा था। अशरफ गनी जो हैं वो देश छोड़ के भाग गए, एक बार को लिए तो बताया भी नहीं लोगों को कि कहाँ भागे हैं। उसके बाद तालिबान ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया। उसके बाद ये तस्वीरें हैं, ये पूरी तस्वीरें मैंने आपको पहले ही बताई कि लोगों के बीच में कितना डर का माहौल है, जब उनका लीडर ही उनको छोड़ के भाग गया, जब उनकी आर्मी ने ही तालिबान के सामने हथियार डाल दिए, तो क्यों लोग क्यों नहीं डरेंगे, ऑब्वियसली डरेंगे, उनको इतिहास पता है उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया था तालिबान ने। तो कैसे तालिबान इतना जल्दी कैसे टेक ओवर कर पाया, 3 लाख की सेना थी जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया, तो किस तरीके से ये हार पाई 75-80 हजार की सेना से, 75-80 हजार के तालिबानियों से कैसे हार गई। देखिए, ऑन पेपर 3 लाख सोल्जर्स की बात करती है अफगानिस्तान की सरकार, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतना ज्यादा करप्शन था ना अफगानिस्तान की लीडरशिप में और आर्मी में, कि ऑन पेपर जहां पे 3 लाख बताए ना, वहां पे क्या पता 1.5 लाख सोल्जर थे भी नहीं, या आधे भी थे या आधे से ज्यादा थे, क्या कुछ नहीं पता। ये लोग अमेरिका और जो नेटो लोगों के जो पैसे थे उसको ले रहे थे, ये भी फायदा उठा रहे थे, अमेरिका ने भी इतने सालों तक इनका इनके ऊपर अपने सत्ता का कंट्रोल रखा है, तो ये भी उसका फायदा उठा रहे थे, लेकिन ओवर द टाइम इनको उसका नुकसान हुआ। अब आर्मी में जिस तरीके की करप्शन हुआ उसकी वजह से ही तालिबान इनके ऊपर कंट्रोल कर पाया। आर्मी ने बहुत ज्यादा यहां पर रेसिस्टेंस ही नहीं दिखाया, बहुत ज्यादा उनका विरोध ही नहीं कर पाया, जिस लेवल पर उनको लड़ना चाहिए था नहीं लड़े वो, अगर वो लड़ते तो शायद तालिबान ना कंट्रोल कर पाता। और बहुत सारे आर्मी लीडर्स ने तो इवन यहां पे साइड भी स्विच कर ली, तालिबान को ज्वाइन कर लिया, और वो लोग यहां पे इजीली इसको जीत पाए। और आगे क्या है स्थिति, बहुत सारे देशों ने तो अपनी एम्बेसी तक यहां पे खाली करवा ली है, इंडिया ने भी अपनी एम्बेसी खाली कर ली है, बहुत सारे जो देश हैं वो डर रहे हैं कि तालिबान की सरकार जो है, तालिबान आगे किस तरीके से काम करेगा, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं लोग, सोच रहे हैं कि औरतों की स्थिति क्या होगी आने वाले समय में, क्योंकि पीछे का इतिहास बहुत खराब रहा है, और किस तरीके के शरीयत के कानून यहां पे इंपोज करेगा तालिबान। तालिबान ने ये प्रॉमिस किया है कि वो अपने लोगों के साथ सही से बिहेव करेगा, जो शरिया लॉ तो लेके आएगा लेकिन शरिया लॉ को उतना मतलब हार्डली इंपोज नहीं करेगा, औरतों को स्कूल जाने की छूट